हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आम आदमी के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। हम दोस्तों बात कर रहे हैं दिल्ली लाडली योजना के बारे में। इस योजना की जो पात्रता है, क्या इसकी योग्यता है, कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और सरकार किन किन लोगों को इसका बेनिफिट देगी और कितने रुपये का बेनिफिट देगी, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और सब्सक्राइबर के बगल में जो बेल का आइकन है इसको भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि हम कोई भी योजना संबंधित वीडियो डालेंगे तो उसकी जानकारी अपने आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दिल्ली लाडली योजना के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं कि भाई इस योजना में 30,000 रुपये तक का बेनिफिट दिया जाता है लड़कियों को। यह योजना उन्हीं लोगों के लिए है जो दिल्ली में पिछले 3 साल से निवास कर रहे हैं या फिर आर्थिक रूप से वो गरीब है। जी हाँ दोस्तों, जो 3 साल से दिल्ली में कंटिन्यू रह रहा है और वो आर्थिक रूप से गरीब है, उन लोगों को देखो 30,000 रुपये दिए जाते हैं। उस जो वो 3 साल से रह रहे हैं उसका जो उनको प्रूफ देना होगा, राशन कार्ड या फिर बिजली का बिल या फिर कोई मूल निवास, तो देखो इन तीनों चारों डॉक्यूमेंट में से कोई ना कोई एक प्रूफ होता है कि भाई वो 3 साल से यहाँ पर रह रहा है। अब दोस्तों इसमें जो दूसरी पात्रता रखी गई है वो है आपके देखो 2 बेटियों के जन्म तक ही इस योजना का फायदा मिलेगा, यानी कि 30,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें डॉक्यूमेंट या दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो देखो, लड़की के माता पिता का एक आय प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें सालाना वार्षिक आय 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा इसमें है भाई लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, ये तो देखो कंपलसरी है ही, और बैंक की पासबुक वगैरह इसमें लगेगी। और लड़की के माता पिता का आधार कार्ड भी इसमें लगाना होगा। तो देखो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जब सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पर ही देना होगा दिल्ली लाडली योजना के तहत। अब दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो मेन इसका मुद्दा है वो है पैसा। अब इसमें पैसा किस तरीके से आपको दिया जाएगा? भाई बच्ची के अस्पताल में पैदा होने पर 11,000 रुपये दिए जाते हैं सरकारी अस्पताल में। और अगर अस्पताल के अलावा और कहीं पर जैसे कोई प्राइवेट संस्थान या फिर घर वगैरह पर, तो देखो 10,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। और जो बाकी के जो रुपए दिए जाते हैं वो है पहली कक्षा में, छठी कक्षा में और 9th की कक्षा में, 12th की कक्षा में। जी हाँ दोस्तों, 1, 6, 9, 12 इन सभी क्लास के अंदर जब वह एडमिशन लेगी तो 5,000 रुपये हर क्लास में इनको जो भी इनका बैंक अकाउंट है उसमें डाल दिए जाते हैं। अब दोस्तों, जो दिल्ली लाडली योजना के तहत एक जो माइनस पॉइंट है, जो एक कमी है इसमें सबसे बड़ी, वो है कि भाई आपका जो बच्ची जो आपकी बच्ची जब स्कूल जाएगी वो सरकारी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। देखो एक ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, आप प्राइवेट में नहीं, बस सरकारी मान्यता प्राप्त आपका जो भी विद्यालय वो होना चाहिए। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप इसकी जो मेन वेबसाइट है www.wcddel.in, तो देखो आप wcddel.in साइट पर भी जाकर इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हो। आप साइट खोलना, साइट खोलने के बाद आपको मेन होम पेज पर जाना है और सबसे ऊपर ही ऊपर आपको दिल्ली लाडली योजना के तहत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला ही होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी संबंधित रिश्तेदार और फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन सभी को इस योजना का लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत।